लक्ष्मी चित्र प्रस्तुत मैं रायगढ़ बोल रहा हूँ। निर्माता, निर्देशक, लेखक, संशोधक अजय लिंबाजी पाटील, शिक्षक जिल्हा परिषद शाळा पिसवली, हिंदी अनुवाद विशेष सहाय्य वंदना पाटील, सहनिर्माण विनोद राठोड, भरत काळे, उमेश आडे, साउंड रेकॉर्डिंग, एडिटिंग, संगीत मृदुला साठे, कलाकार अजय लिंबाजी पाटील। मैं रायगड बोल रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी स्थित मैं ही रायगढ़ हूँ। महाराष्ट्र राज्य और भारत देश का वैभवशाली गौरव मैं ही हूँ। कभी आए थे मेरे दर्शन कराने? कभी मुझसे मिलने की ख्वाहिश नहीं जगी आपके दिल में? मैं आज भी आपकी राह देख रहा हूँ कि एक न एक दिन आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे, लेकिन आज मैं खुद बात आपसे करना चाहता हूँ। मेरे सफर आपको करवा देता हूँ। दोस्तों, मेरे समुद्र तल से ऊंचाई 820 मीटर मतलब 2700 फुट है। मैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर स्थित हूँ। महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ तालुका में मैं स्थित हूँ। मेरी स्थापना 1030 में हुई, लेकिन आप मुझे 16वें शतक से पहचानने लगे होंगे, जबकि क्षत्रिय कुलावतंश राजाधिराज शिवछत्रपति शिवाजी शाहजी भोसले महाराज ने 1674 में मेरे ही सर पर राज्याभिषेक करवाया था। मैं आज भी वह सोहला भुला नहीं हूँ। आनंद और उत्साह का माहौल मैंने देखा था। देश विदेश के लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ पर। मेरा सौंदर्य, मेरा थाट बाट देखकर दंग रह गए थे। दोस्तों, 6 अप्रैल 1656 में महाराज ने मुझे मंगोलों से छुड़ाकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। हिरोजी इंदुलकर ने मुझे एक नया रूप दिया, नया साज चढ़ाया। स्वराज में शामिल होने से पहले निजामशाही में मेरा उपयोग सिर्फ और सिर्फ कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। महाराज ने मुझे राजधानी के रूप में चुना। वैसे तो शत्रु आसानी से मुझे जीत ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं बहुत ही कठिन ऐसी जगह पर स्थित हूँ। दोस्तों, आप मुझे रायगढ़ या रायरी के नाम से जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको मेरे कई नाम बताना चाहता हूँ। सुनोगे तो सुनो। पूर्व की ओर जिब्राल्टर, राहिर, शिवलंका, रेड्डी, भिवगढ़, रायगिरी, बरेनूर, राशिवटा, तणस, जम्बूद्वीप, नंदादीप, इस्लामगढ़, रायरी और रायगढ़। ठीक है, अब आप मुझसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हो, तो चलो आओ, मैं आपको मेरे सफ़र करवा देता हूँ। पहले आपको 1765 सीढ़ियाँ चढ़कर ही ऊपर आना पड़ेगा। बच्चे या बूढ़े रोपवे के मार्ग से ही ऊपर आ सकते हैं। तो चलो चढ़ो, 1765 सीढ़ियाँ चढ़ाना शुरू कर दो। अच्छा, थके हो गए तो थोड़ा सा आराम करो, फिर से चढ़ो और आओ मेरे सर पर, मेरे माथे पर। मैं आपका सच्चे हृदय से स्वागत करता हूँ। आओ, अब मैं मेरा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। यह देखिए, पाचाड़ का जिजाबाई वाड़ा, यह खूब लड़ा बुरुज, यह है नाना दरवाजा, यह है मस्जिद मोर्चा, यह देख रहे हो, यह है महाद्वार, और दोस्तों, यह है चोर दिंडी, और यह बड़ा सा दिख रहा है, यह है हाथी तालाब। महाराज ने हाथियों को पानी पीने और नहाने के लिए यह तालाब बनवाया था। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि 1765 सीढ़ियाँ चढ़कर हाथी मेरे ऊपरी हिस्से पर आए ही कैसे होंगे।
दोस्तों, शिवराज्याभिषेक के वक्त पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों के मन में भी यही सवाल उठता था। बहुत सोचने पर उन्होंने यह सवाल महाराज से पूछ ही लिया। तब शिवाजी महाराज ने कहा था, इस किले पर हमने नर और मादी हाथी के दो बछड़े लाए थे जो कि अब बड़े बन गए। सुना, महाराज अपने बहुत होशियार और बहुत ही आगे की सोचने वाले थे। यह देखिए, गंगा सागर की झील, यह स्तंभ, यह है पालकी द्वार, यह मेना द्वार, यहाँ से राजाओं की रानियों की पालकियाँ आते जाते रहती थी। यह देखो, यह बड़ा सा नज़ारा दिख रहा है, यह है राजभवन, यह है रतिशाला, यह है राज्यसभा, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, इसे नगारखाना कहते हैं। और दोस्तों, यह ऊंचाई पर दिखाने वाली यह बाजार पेट है, यहाँ खरीददारी सिर्फ घोड़सवार से ही होती थी। चलो नमस्कार करो, क्योंकि यह है सिरकाई माता का मंदिर। पांचवें शतक में सिरके ही मेरे स्वामी थे, उन्हीं की याद में यह सिरकाई माता का मंदिर बनवाया गया था। और यह है जगदीश्वर का मंदिर। हीरोजी इंदुलकर ने मेरा पूरा नक्शा ही बदल दिया था, मुझे एक नया रूप दिया। मुझे इतना खूबसूरत देखकर महाराज तो खुश हो ही गए और इंदुलकर जी से कहा, जो कुछ चाहे मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन हीरोजी ने कहा, महाराज हमें धन दौलत संपत्ति या पैसा नहीं चाहिए, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो सिर्फ आपके कदमों के पास थोड़ी जगह दे दो। जगदीश्वर के दर्शन कराने जाने वाली किसी एक सीढ़ी पर मेरा नाम लिखवा दो। महाराज ने कहा, बस सिर्फ इतना ही। हीरोजी ने कहा, राजे आप हर दिन सवेरे जगदीश्वर के दर्शन कराने तो आएंगे, तो आपके चरणों की धूल चरण स्पर्श करने से मेरा जीवन सफल होगा। महाराज ने हीरोजी को अनुमति दे दी। और दोस्तों, आज भी उस ऊपरी आखिरी सीढ़ी पर लिखा है, हीरोजी इंदुलकर करविले। ये रहा टकमक टोक, और यह ही हिरकनी बुर्ज, जिसका निर्माण एक विशाल चट्टान पर है। हिरकनी यहाँ से नज़दीकी गांव में रहती थी और वह दूध बेचने किले पर आती थी। एक दिन दूध बिका न जाने के कारण वह किले पर भटकते रही। जब वह दूध बेचकर घर लौटना चाहती थी, तभी उसे पता चला कि किले के सारे द्वार बंद हो चुके हैं और सवेरे ही द्वार खुलेंगे। उसका एक छोटा सा बच्चा घर पे उसका इंतजार कर रहा था। द्वार के सिपाही से उसने विनती की, लेकिन महाराज का आदेश था सूर्यास्त के बाद द्वार न खोलना। लेकिन हिरकनी अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही थी। आखिर उसने अंधेरे रात में उस चट्टान से उतरना शुरू किया। लाख कोशिशों के बाद वह वहां से उतरने में कामयाब हो गई। महाराज को इस बात का पता चला तो महाराज ने उस बहादुर नारी का बड़ा सम्मान किया और उस चट्टान को हिरकनी बुर्ज नाम दिया। दोस्तों, यह देखो, यह है कुशावर्त तालाब, यह वाघ द्वार, यह है महाराज के प्यारे कुत्ते वाघ्या की समाधि, और यह देख रहे हो, 3 अप्रैल 1600 में महाराज का अंत हुआ, उन्हीं के याद में बनाई गई यह समाधि। दोस्तों, महाराष्ट्र तो शापित है फंद फितूरी से, वह शाप मुझे ही भुगतना पड़ा। सूर्याजी पिसाल ने धोखा दिया और मुंगले ने मुझे जीतकर अपना कब्जा बना लिया। फिर संभाजी महाराज के लड़के शाहू महाराज ने 8 जून 1733 में मुझे जीतकर फिर से स्वराज में लाया। शिव छत्रपति चले गए।
संभाजी राजे, राजा राम राजे, शाहू महाराज चले गए, ताराबाई, येसुबाई भी चले गए, पेशवाई आई, अंग्रेज आए और जाते जाते मुझे ध्वस्त करके चले गए, मुझे पूरा उखेड़ दिया। मेरा सौभाग्य यह था कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने मुझे ढूंढ निकाला, मेरे यहाँ पर शिव जयंती उत्सव शुरू किया, फिर से मैं नया जन्म लेकर खड़ा हुआ, आज भी हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र में सैकड़ों गढ़ किले हैं, यही तो महाराज की धन दौलत थी, लेकिन आज हमारी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। मेरा अस्तित्व खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ का रानीवाड़ा, हाथी तालाब, शिरकाई माता का मंदिर, बाजार पेट एक एक करके उध्वस्त होते जा रहे। आज मैं एक और हीरोजी इंदुलकर का रास्ता देख रहा हूँ, जो कि वह आके मुझे फिर से नया एक रूप दे दे, नहीं तो फिर से एक बार राजा शिव छत्रपति यहाँ जन्म ले और मेरे ही सर पर, माथे पर शिवराज्याभिषेक कराए, मैं ही राजधानी का ठिकान बनूं। राजा शिव छत्रपति की सेवा में ही मेरा जीवन की सार्थकता है। दोस्तों, रात होने लगी है, घर लौट जाओ, चलो सीढ़ियाँ उतारो। उतरे, अब सुख चैन से, प्रसन्नता से प्रवास करके अपने घर पहुंचो। शुभ प्रवास। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।